इस महामारी के समय हम सब लोग अपने परिवारों के साथ अपने अपने घरों में महफूज हैं, और मैं और मेरा सिनर्जी परिवार भी फिजिकली दूर रहने के बावजूद एकत्रित हैं इस महामारी से लड़ने को। हमारे परिवार के सदस्यों ने बेहतरीन संदेश आप सबके लिए बनाए हैं, जिसे हम प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष एवं सीमाओं के पार से मेरे परिवार के सदस्यों ने आपके लिए संदेश भेजे हैं, जिन्हें हम आपके सामने रोज़ प्रस्तुत। नमस्ते, मेरा नाम प्रगति है, मैं एक बैंकर हूँ। एज अ बैंकर मुझे आप लोगों से यही विनती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बैंक आए, नहीं तो बैंक के डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, उन लोग का इस्तेमाल करें और अपने घर में रहें। हम यहाँ हैं आपकी सेवा करने के लिए, और आप घर पे रहें और देश की सेवा करें। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग जब साथ में मिलके लड़ेंगे, हम सब लोग इस कोरोना नामक महामारी से बाहर आ जाएंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड हाँ, स्टे एट होम। जय हिंद, जय भारत। राम राम सबके और हमारे बुजुर्गन के पाए लागू। हम जमुना शुक्ला बनारस से आप सब से निवेदन कर रहे थे कि आप सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और मान लें कि बाहर जही के पड़ल जरूरी सामान बदे तब कौनो न कौनो मास्क लगा के जाएं। ये मास्क घरों में बन सकेला। गमछा, साफ गमछा, धोवल गमछा के 3-4 लपेटा मार के आप अपने मुँह पर बांध के सामान लेवे जाएं, और जब सामान लेवे जाएं तो वहाँ एक दूरी बना के खड़े रहें, और जब सामान ले आएं तो ओके धो के यूज़ करें। और एक साथ साथ यह ध्यान दें कि बढ़िया खान पान खुद तक खेवे करें और पूरे परिवार को खिलाएं। इनमें हमारे बहनन का बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो कि खुद बढ़िया खाएं, अपनों ध्यान दें, पूरे परिवार का ध्यान दें, मसाला ना खाएं और तेलहा चीज़ ज़्यादा ना खाएं, फल फूल सब्जी खूब ढेर सारा खाएं। कहे से कि कोरोना खाली घर बैठे न ठीक होई, एकरे लिए शरीर के भी बहुत मजबूती देवे के पड़ी। इसे लड़े के लिए शरीर और हम दोनों, हम सब के तैयार रहे के पड़ी। आई तब वह संभव हो जब हम कम से ज़्यादा घर में रहा और बढ़िया खाए पी। और कहे नहीं कोरोना जाए, बिल्कुल जाए, हम सब मिल के डट के कोरोना के मरकिनौना करे के हम। यही शब्द के साथ आप सबके हम प्रणाम कहब और पुनः आपसे निवेदन करब कि आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये वीडियो सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जिनके लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, हमारे रजत भैया, उनका घर हमारे घर से 2 घर आगे है। मैं चाहता तो उनके घर जा कर के डायरेक्ट ये वीडियो बना सकता था, बट मैं वीडियो के जरिए उनको ये मैसेज भेज रहा हूँ। तो ये एक एग्जांपल है सोशल डिस्टेंसिंग का। और बनारसी में एक कहावत भी होती है, सटला तो गईला, तो इसलिए कृपया न सटे। हाय, मेरा नाम लोकेश पाठक है और मैं वाराणसी से हूँ। और हम लोग अभी इस समय कोरोना वायरस से जो जंग चल रही है उसको जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग खुद घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने घरों से ना निकलिए जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। और एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आपके आसपास ज़रूरतमंद दिखे, जिसको कि खाने की, पानी की ज़रूरत हो, चाहे वो जीव जंतु, पशु पक्षी, जो भी हो, उसका अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। थैंक यू। वंदे मातरम, मैं राकेश राम लखयानी वाराणसी से। जय झूलेलाल। तां सभी पंहिंजे कुटुंब ऐं परिवार सां बिल्कुल अमन चैन में हूंदा। कोविड जी महामारी पूरे देश विदेश में हले वेठी। असांजी तव्हां सभिनि सां निमाणी वेनती आहे कि इन समय तव्हां पंहिंजे घर में रहो ऐं अमन चैन सां रहो। ॿाहिरि कॾहिं कुझु बि फैली वेंदो त हुन सां बचाव करिणो
यहाँ सा पुनः एक बार बिंदी आए, झूलेलाल जी कृपा सा जल्दी ये महामारी खत्म दिंदी, और असा सब परिवार कुशल सकुशल रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल। दिस इज कुणाल अरोरा फ्रॉम नोएडा। स्टे होम, स्टे सेफ।